चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश में विकास सर में आप सबका स्वागत है। मैं विकास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं और अपने विषय वस्तु पर चलने से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। आज पूरे देश भर में दीपावली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और अभी इसी वक्त मनाया जा रहा है। हो सकता है कि वीडियो के बीच में आपको पटाखे की आवाज सुनाई दे, लेकिन क्या करें, पर्व बन रहा है, मुझे वीडियो बनाना है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं, आप इसको देखोगे। लेकिन ये वीडियो हो सकता है तो रात में आज मैं लेट नाइट अपलोड करूं या फिर कल मॉर्निंग में आपको वीडियो मिलेगा। दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा, ये वीडियो जो वर्ड्स से रिलेटेड है, हम और आप मिलकर के वर्ड्स के टेक्निक पर चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वर्ड्स के कुछ टेक्निक्स को बताऊं जिसके के आधार पर आपके वोकैबुलरी जो है वो इनहांस हो जाए, वोकैबुलरी कुछ बढ़ जाए जिससे आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाए। तो दोस्तों अगर अंग्रेजी अच्छा करना है तो टेक्निक तो सीखना पड़ेगा, बिना टेक्निक सीखे हुए आप इंग्लिश को अच्छा नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर पहले से मैंने कुछ लिखा है, इसलिए लिखा है कि आपका और हमारा समय ज्यादा बर्बाद नहीं हो। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, ये देखिए इधर मैंने एक ही वर्ब लिखा है, इसको चेंज नहीं किया है, कुछ कारण है मैं बताऊंगा। ये देखो आप मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है कम, फिर दूसरा भी मैंने लिखा है कम, तीसरा भी मैंने लिखा है कम, ये फोर्थ वर्ड भी कम है इधर, लेकिन मैंने बदल दिया है। दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज समझ सकते हो कि यहाँ पर वी वन और वी फाइव और वी फोर का कॉम्बिनेशन है। वी फोर जो है जेरंड के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, जेरंड एक फॉर्म होता है। आगे जब ग्रामर का वीडियो में डालना शुरू करूंगा तो जेरंड पे मैं चर्चा करूंगा तो आपको बताऊंगा मैं। तो वी वन क्या है दोस्तों, वी फोर है। आज मैं बता देता हूँ कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ वी वन के साथ आप जेरंड को मिला दीजिए, जिरंड बोलने का मतलब भीपुर को मिला दीजिए, तो उससे एक मीनिंग आ जाएगा और एक ऐसा मीनिंग जो अक्सर ऐसा मीनिंग जब आपके सामने आ जाता है तो आप समस्या में पड़ जाते हैं कि इस वर्ड को क्या लिखे, इसका इंग्लिश क्या होगा। आज के बाद ये समस्या पूरा दूर हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो देखिए भाई क्या है दोस्तों, बताओ कम मतलब क्या होता है, आना। हाँ, इधर भीपुर डालना, आप इधर दूसरा कुछ नहीं डालना, यानी जिरंड डाला। कम मतलब दोस्तों बोले क्या होता है, आना। सिंग मतलब गाना, लेकिन जैसे ही आप लिखोगे कम, सॉरी, स्माइल मतलब मुस्कुराना, तो जैसे ही दोस्तों आप लिखोगे कम स्माइलिंग, इसका मतलब मुस्कुराते हुए आना। कम स्माइलिंग का मतलब क्या हुआ, मुस्कुराते हुए आना। जैसे मैं एक्शन टेंस बना के दिखाता हूं आपको, तीनों टेंस में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों में दिखाता हूं। सीता कम्स स्माइलिंग, आप इसका मीनिंग समझ गए होंगे दोस्तों। सीता नाम है, कम्स मतलब आना और स्माइलिंग मतलब हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो सीता कम्स स्माइलिंग का मतलब क्या हुआ दोस्तों, सीता कम्स स्माइलिंग का मतलब वो सीता मुस्कुराते हुए आती है। दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों, सीता केम स्माइलिंग, इसका मतलब बताओ आप, इसका मतलब हुआ कि सीता मुस्कुराते हुए आई। सीता केम तो हो गया, बिल लिख देते हैं, बिल कम स्माइलिंग, इसका मतलब बताओ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि सीता मुस्कुराते हुए आई। देख रहे हैं आप ऐसे स्टेटमेंट को लिख रहे हैं, कम स्माइलिंग मुस्कुराते हुए आना, कम रनिंग दौड़ते हुए आना, कम लाफिंग हंसते हुए आना, कम सिंगिंग गाते हुए आना। जैसे हमने स्टेटमेंट बना के आपको यहां दिखाया, सीधा कम स्माइलिंग, इसका मतलब होता है कि सीता मुस्कुराते हुए आती है, सीता केम स्माइलिंग, सीता मुस्कुराते हुए आई, सीता विल कम स्माइलिंग, सीता मुस्कुराते हुए आएगी। दोस्तों ऐसे वर्ड्स आपके सामने आते थे हिंदी के तो आप समस्या में पड़ जाते थे कि मैं इन शब्दों को कैसे ट्रांसलेट करूं, इसको क्या बोलूं क्या लिखूं। लेकिन आज के बाद मुझे लगता है ऐसी कोई समस्या रह नहीं जाएगी, और सारे वर्ड्स में लिखा हूं पीछे मैं उसको आप दिखलाता हूं आपको। लेकिन आप समझो करना क्या है, आपको भी वन के साथ भी फोर को मिला देना है, जेरंड फॉर्म को मिला देना है, भी फोर ही जेरंड बन जाता है, उसके कुछ फंक्शंस होते हैं और फिर एक मीनिंग निकलता है जिस मीनिंग की आपकी सख्त जरूरत है। आगे देखिए दोस्तों, फिर मैंने लिखा है यहां पर, चलो मुझे बताओ सिंग मतलब क्या होता है, गाना। स्माइल मतलब क्या होता है, मुस्कुराना। तो आप नहीं बताओ तो सिंग स्माइलिंग का मतलब क्या हो गया, मुस्कुराते हुए गाना। सिंग मतलब दोस्तों गाना, स्टैंड माने खड़ा होना, यानी कि सिंग स्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया दोस्तों, खड़े होकर के गाना। सिंग मतलब गाना, सिटिंग माने सीट माने बैठना, सिंग सिटिंग मतलब बैठकर गाना, सिंग मतलब गाना, सिंग माने सोना, सोकर गाना, सिंग सोते हुए गाना, सिंग मतलब दोस्तों गाना, रन रन मतलब दौड़ना, तो सिंग रनिंग का मतलब क्या होगा, दौड़ते हुए गाना। उसी प्रकार दोस्तों रन मतलब दौड़ना, स्माइल मतलब मुस्कुराना, रन स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए दौड़ना, रन लाफिंग हंसते हुए दौड़ना, रन ईटिंग खाते हुए दौड़ना, रन वॉचिंग देखते हुए दौड़ना, रन टॉकिंग बात करते हुए दौड़ना, ईच वॉकिंग टहलते हुए खाना, ईच स्टैंडिंग खड़े होकर के खाना, ईच वर्किंग काम करते हुए खाना, ईच रीडिंग पढ़ते हुए खाना। दोस्तों ये देख रहे हैं आप कैसे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं और आप ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को आपने बोला ठीक है कि कृपया, जैसे आपने बोला प्लीज, ठीक है, सिंग स्माइलिंग गाना का इस्मा, मुस्कुराते हुए गाना गाए, तो क्या बोलेंगे, प्लीज सिंग स्माइलिंग आप बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे आप बोलते कि मेरा बच्चा हमेशा रोते हुए खाता है, माई चिल्ड्रन ऑलवेज, क्या लिखा दोस्तों मैंने यहां पर, ऑलवेज ईट बीपिंग, मेरा बच्चा हमेशा रोते हुए खाता है।
तो दोस्तों ऐसे करके आप वर्ड्स को क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है, मैं पिछले कई वीडियो से वर्ड्स के टेक्निक को बता रहा हूँ। वर्ड्स का टेक्निक जो मेरा वो आपको मेरे जो प्लेलिस्ट है वर्ड्स वीडियो वाले में आकर के मिलेगा, आप खोज करके उसको देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। पीछे भी मैंने कुछ टेक्निक्स बताए हैं, तो मुझे लगता है जैसा मुझे लगता है कि आपको टेक्निक समझ में आ गया हो, जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप अपने इंग्लिश को इन्हांस करना चाहते हैं, इंग्लिश को बढ़ाना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, तो इस टेक्निक को देखिए, सीखिए, याद कीजिए और इसका यूज कीजिए। और तब तक दीजिए विकास कुमार को इजाजत, तब जब तक मैं नया वीडियो अपलोड न करूं, फिर मैं अगले वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित नहीं हूं, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। और दोस्तों तब तक इसको आप देखिए, समझिए इसको, इसको यूज करना शुरू कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर अगली वीडियो में। हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लेना।